जॉन इब्राहिम से मुंबई म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ने मांगी माफी। जॉन इब्राहिम के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बीएमसी ने रिग्रेट का मैसेज किया पोस्ट। दरअसल जॉन इब्राहिम है एक पेट लवर और जब भी उन्हें मौका मिलता है पेट्स के लिए वो अपनी आवाज उठाते रहते हैं। Hey guys, I'm very happy to inform you that Champion, our little friend, is stable now. He's doing well for himself. He's eating food. For all of you who don't know about Champion, he's a little guy who was found on the outskirts of Mumbai. But he's doing well for himself right now. And I'm happy to say, and I want to thank all the people out there, especially Animals Matter to Me, EMTM, Ganesh Nayak and his team. We've done a fantastic job in making sure the Champion is okay now. लेकिन रिसेंटली कोरोना वायरस स्केयर के बाद मुंबई में खास करके हर जगह ऐसे पोस्टर्स नजर आने लगे जिनमें लिखा गया था पेट्स और वाइल्ड एनिमल्स से कोरोना वायरस फैल सकता है। ये होर्डिंग्स मुंबई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लगाए थे, जिसके बाद इस इंफॉर्मेशन को सही मानकर कुछ लोग पेट्स को अबैंडन करने लगे और अलार्मिंग सिचुएशन बनने लगी, जिसके बाद जॉन इब्राहिम ने एक न्यूज़पेपर कटआउट को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, एनिमल्स डू नॉट गेट और ट्रांसमिट COVID-19, प्लीज डोंट बी मिसइंफॉर्म्ड। जॉन इब्राहिम का ये पोस्ट आते ही हर जगह वायरल हो गया और पेट लवर्स ने जॉन इब्राहिम के इस बयान को पूरी तरह से सपोर्ट किया। डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने भी जॉन इब्राहिम के सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, व्हाट एन एब्सोल्यूट रिडिकुलस पीस ऑफ मिसइंफॉर्मेशन, Pets do not have anything to do with COVID-19. जिसके तुरंत बाद मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी गलती मानते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला और लिखा, So, we regret the misinformation that led to panic among pet owners. We do love pets, and hence, as soon as this was brought to our notice, all of these hoardings were removed with immediate effect. We request you to help spread the message and help us keep Mumbai safe. Thank you. साफ है जॉन इब्राहिम के सोशल मीडिया पोस्ट के आने के ठीक बाद इस इशू पर और अवेयरनेस फैली और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पूरी मुंबई से इस तरह के पोस्टर्स हटाने पड़े। कोरोना वायरस स्केयर के बाद हर एक सिलेब अपनी तरह से सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली अपने सोशल मीडिया रीच का इस्तेमाल करके, और सेलेब्स की इस कोशिश की डेफिनेटली तारीफ की जानी चाहिए। Watch E-Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.